श्रावण मास के सातवें सोमवार को उत्तर प्रदेश के शिव मंदिरों में भक्तों को सैलाब उमड़ा है। भोर पहर से ही सभी शिवालयों में बम बम भोले, हर हर महादेव की गूंज से सुनाई देने लगे। आज का दिन नागपंचमी होने से पूजा का विशेष योग बना और भक्तों ने भगवान शंकर के साथ सर्प पूजन का आशीर्वाद मांगा। श्रावण मास में शिव मंदिरों में भक्तों की पूजा अर्चना का दौर जारी है। सावन के दिनों में सोमवार को शिवालयों में भगवान शंकर की पूजा और दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा है। ऐसे में विशेष व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन की ओर से किया जाता है। श्रावण मास के सातवें सोमवार को भी ऐसा ही श्रद्धालुओं की भीड़ शिव मंदिरों में देखने को मिली। प्रदेश के सभी पौराणिक और प्राचीन शिव मंदिरों में भोर पहर से ही भक्तों की दर्शन पूजन के लिए भीड़ उमड़ने लगी। सभी शिवालयों में भक्तों के दर्शन के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए थे। यह आलम प्रदेश भर के भगवान शंकर के मंदिरों में देखा गया। खास बात ये रही कि सातवां सोमवार और नागपंचमी के साथ बने सहयोग को लेकर मंदिरों में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। भक्तों को सर्प पूजन और दूध पिलाकर परिवार की खुशहाली की कामना करते देखा जा रहा है। श्रावण मास के सातवें सोमवार को देखते हुए शिव मंदिरों में सुरक्षा के जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा रविवार को ही पुख्ता बंदोबस्त कर लिए गए थे। सीसीटीवी कैमरों से भी आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में भी मंदिरों में संदिग्धों पर निगरानी के लिए लगे हैं। वहीं लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के कर्मी भी मंदिरों के आसपास पर नजरें गड़ाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदेश के सभी शिव मंदिरों और श्रावण मास में कांवड़ियों के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। भक्तों को दर्शन पूजन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मंदिरों में बैरिकेडिंग की गई है। भक्तों को कतारबद्ध दर्शन कराए जाने का दौर जारी है।